অযোধ্যা রামমন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আগে এগারো দিনের একটি বিশেষ আচার অনুষ্ঠান শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলই হিন্দিতে করা এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আর মাত্র এগারো দিন বাকি আমি সৌভাগ্যবান যে আমি ওই শুভ শুভ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে পারছি প্রভু আমাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় ভারতের সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছেন এই কথা মাথায় রেখে আমি আজ থেকে এগারো দিনের একটি বিশেষ আচার শুরু করছি আমি সমস্ত মানুষের কাছে আশীর্বাদ চাইছি এই মুহূর্তে আমি আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না নাসিক থেকে তিনি এই আচার অনুষ্ঠান শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এক হ্যান্ডেলে করা পোস্টে এক বিশেষ ভিডিও অডিও বার্তাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তাতে তিনি বলেছেন হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে কোনো দেবমূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা এক বিশদ এবং ব্যাপক প্রক্রিয়া তিনি বলেছেন এর জন্য বিশদ নিয়ম রয়েছে প্রাণ প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েকদিন আগে থেকে সেগুলি অনুসরণ করতে হয় আমি আজ থেকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত শাস্ত্রের নির্দেশিত সমস্ত নিয়ম এবং তপস্যা কঠোরভাবে পালন করব মহারাষ্ট্রের নাসিকে জম নিয়ম দিয়ে এই এগারো দিনের বিশেষ আচার অনুষ্ঠান শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী অডিও ভিডিও বার্তা শুরু হয়েছিল সে আবার রামচন্দ্র কী জয় এবং রাম স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন জীবনের কিছু মুহূর্ত বাস্তবে পরিণত হয় শুধুমাত্র ঐশ্বরিক আশীর্বাদে আজ আমাদের সকল ভারতীয়দের জন্য এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা রাম ভক্তদের জন্য এক পবিত্র সময় সর্বত্র ভগবান শ্রীরামের ভক্তির এক অপূর্ব পরিবেশ বিরাজ করছে চারিদিকে রামের নামে শ্লোগান উঠছে রাম ভজনের আশ্চর্য সৌন্দর্য হল এর সুর সবাই বাইশে জানুয়ারির জন্য অপেক্ষা করছে সেই ঐতিহাসিক পবিত্র মুহূর্তের কথা ভাবছে হার কিছু ক ইন্তেয়ার হ্যাঁ বাইশ জানুয়ারি কা ঐতিহাসিক পবিত্র পলকা অরব अयोध्या में लला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल ग्यारह दिन ही बचे हैं मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है मैं भावुक हूं भाव विहवल हूं मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं मैं एक अलग ही भावभक्ति की अनुभूति कर रहा हूं मेरे अंतर मन की यह भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं अनुभूति का अवसर है चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है निमित्त मात्रम भव सभ्य साचीन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग यह भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांति भारत की आत्मा को जगजोड़ा था आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है और सोने पर सुहागा देखिए आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है ये मैंने साक्षात देखा है महसूस किया है लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती हैं आशीर्वाद देती हैं तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें मुझे आशीर्वाद जरूर दें आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं मंत्र है मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा आप अपने शब्दों को अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटी कोटि नमन जय श्री राम रिपोर्ट आर ई न्यूज